सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल स्टूडेंट चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। व्हाट्सअप गाइस, आई एम प्रिंस एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल स्टूडेंट यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे कुछ फाइल्स एंड फोल्डर होते हैं जो कि हमें इंटरनल स्टोरेज से एक्सटर्नल स्टोरेज में मूव नहीं कर पाते हैं या फिर कॉपी वगैरह पेस्ट वगैरह नहीं कर पाते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको जाना है फाइल मैनेजर में एंड फाइल मैनेजर को ओपन करना है। तो मैं सिंपली फाइल मैनेजर को ओपन करके मैं अभी ये देखिए मेरा ये रहा, ये एक फाइल है ऑडियो फाइल। तो मैं इसे अभी मूव करने की कोशिश करता हूँ एसडी कार्ड में जो कि एक्सटर्नल स्टोरेज है। चलिए मैं यहाँ पर अभी पेस्ट करने वाला हूँ, थोड़ा हो जाने दीजिए लोडिंग। तो यहाँ पर मैं पेस्ट किया और ये देख लीजिए आपको यहाँ पर मिल जाता है कांट मूव, तो आप मूव नहीं कर पाते हैं। तो चलिए अभी मैं आपको आसानी से समझाने के लिए यहाँ पर सिंपली से आऊँगा, क्रिएट फोल्डर एक करता हूँ। चलिए यहाँ पर अभी मैं लिखा टेक्निकल स्टूडेंट एंड ये देखिए यहाँ पर ये सैम्पल मैंने ऐड कर दिया यहाँ पर ओके। तो ये देखिए यहाँ पर ये फोल्डर, हाँ तो आप देखेंगे तो यहाँ पर ये मेरा फोल्डर बन गया है। तो ये फोल्डर वगैरह तो बन गया है। तो अब हम यही बात करते हैं, हम अगर एसडी कार्ड में बनाने की कोशिश करें क्रिएट फोल्डर, तो बैक अभी आते हैं थोड़ा और यहाँ पर हम एसडी कार्ड में जाएंगे और यहाँ पर हम अभी एक फोल्डर बनाते हैं। तो चलिए हम टेक्निकल स्टूडेंट, चलिए अब यहाँ पर ऐसा सैम्पल, अगर हम एक ही नाम का फोल्डर एसडी कार्ड में ही बनाएंगे तो वो नहीं बनता है, या फिर इंटरनल स्टोरेज में एक ही नाम के फाइल्स या फिर फोल्डर रहेगा तो नहीं बनता है, क्योंकि ये सर्चिंग वगैरह करने में दिक्कत आ सकता है, इसलिए नहीं बनता है। तो चलिए यहाँ पर मैंने एक इंटरनल स्टोरेज में बनाया हूँ, आप एसडी कार्ड में बना रहा हूँ, तो ये हो जाएगा। तो ये देखिए कुडंट क्रिएट फोल्डर, स्टूडेंट के लिए फोल्डर मतलब एसडी कार्ड में नहीं हुआ। और इस फोल्डर में क्या खास बात था, तो इस फोल्डर में यही खास बात था कि मैंने यहाँ रुकिए पहले इंटरनल स्टोरेज, तो इस वाला में आप देखेंगे। अब चलिए मैं इसे मूव करने की कोशिश करता हूँ, इसे भी इस फोल्डर को मूव एंड एसडी कार्ड, और चलिए यहाँ पर पेस्ट। तो ये देखिए कुडंट क्रिएट फोल्डर यहाँ पर आ गया था हूँ, कुडंट क्रिएट फोल्डर मतलब एच डी कार्ड में ये फोल्डर मूव नहीं हो रहा, बन नहीं रहा, मतलब इसका भी माथा सही काम नहीं कर रहा। तो सिंपली अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, सिंपली मोर में जाना है, यहाँ पे आपको रीनेम चेंज करना पड़ेगा, जो कि ये जो ऐड किया है सैम्बुल इसे हटाना पड़ेगा। ये हालांकि है जो ये इंटरनल स्टोरेज में ऐसा सैम्बुल वगैरह है जो लोड कर लेता है और ये अच्छा से एक्सेस भी कर लेता है सर्चिंग टाइम में, बल्कि ये एच डी कार्ड में नहीं कर पाता है। इसलिए आपको एच डी कार्ड में कोई भी फाइल फोल्डर हो उसे आप ऐसा सैम्बुल वाले से रीनेम नहीं कर सकते हैं। अभी देखिए ये सिंपली हो जाएगा यहाँ पर मूव, तो ये देखिए मेरा यहाँ पर फाइल भी यहाँ पर आ गया है, मूव हो गया है। अब यही हम बात करते हैं अब इस ऑडियो फाइल की, तो इसे हम सिंपली मोर में जाएंगे, रीनेम करेंगे और ये देखिए जो हमें ये सैम्बुल दिख रहा है इसे सिंपली हटा देना है। और अब आप देखिएगा कि ये मेरा ऑडियो फाइल है जो सिंपली से एच डी कार्ड में मूव हो जाएगा। तो सिंपली से लॉन्ग प्रेस एंड मूव एंड एच डी कार्ड एंड सिंपली मैं पेस्ट करूँगा यहाँ पर। तो ये देखिए सिंपली से यहाँ पर मूव हो गया है, मैं अभी दिखाऊँगा कहाँ पर ये अभी ऑडियो फाइल शायद, या छोड़िए मैं यहाँ पर शॉर्ट करता हूँ अभी। ओहो सिंपली से मैं यहाँ पर अभी जाऊँगा शॉर्ट बाय मॉडिफिकेशन टाइम कर दिया और हमें ये देखिए यहाँ पर हमें ये देखने को मिल जाता है, तो गाइस मिल जाता है। तो गाइस ये छोटी सी वीडियो आपको कैसा लगा, कोई भी फाइल फोल्डर अगर मूव नहीं होता है एसडी कार्ड से, एसडी कार्ड में मूव नहीं होता है, तो आप सिंपली समझ सकते हैं कि आपका इंटरनल स्टोरेज है जो ऐसे सैम्पल वगैरह को सिंपली एक्सेस कर लेता है, यहाँ तक कि सर्चिंग लिस्ट में भी दिखा देता है उस फाइल को एक्सेस सिंपली बिल्कुल अच्छे तरीके से करता है, जबकि वही आपको एक्सटर्नल स्टोरेज में ऐसा ऑप्शन नहीं दिया जाता है, एक्सेस करने की एबिलिटी नहीं दिया जाता है कि ऐसे सैम्पल से भी आप फाइल फोल्डर का नाम वगैरह दे सकते हैं। तो बस यार छोटी सी वीडियो थोड़ी, ये वीडियो आपको कैसा लगा इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और लोगों को लगता है कि ये मेरा एसडी कार्ड है जो करप्ट हो गया है, इसमें फाइल फोल्डर मूव नहीं होते हैं। हालांकि ऐसा भी होता है, जब हमारा एसडी कार्ड फ्रीज वगैरह भी होता है तो बिल्कुल सेम ऐसा ही प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो बस यार वीडियो को शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस तरह का वीडियो हमेशा लाता रहता हूँ।